अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी हम जा रहे हैं इज़न का रिजल्ट लेने। आज इज़न का रिजल्ट है ग्रेड 8 का। अभी ग्रेड 9 में जाएगा और ग्रेड 7 के लिए। अच्छा, अल्लाह की कसम, ग्रेड 7 का है, ग्रेड 8 में ट्रांसफर। अच्छा, ग्रेड 8 में अब जाएगा ये, तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। उम्मीद है कि ये जो हमें उम्मीद है वैसे ही होगा कुछ, तो अभी हम आपको जाके दिखाते हैं कि क्या होता है। मौसम भी आज कितना बेहतरीन हो चुका है, बाहर बारिश हो रही है, रात से बारिश हो रही है। मेरे रिजल्ट की वजह से हुआ ना, मेरा रिजल्ट ही इतना अच्छा है कि उन्होंने कहा बारिश बरसा रहा है। क्या हुआ, बारिश तो जो सी बस एकदम रिजल्ट मिल जाए। अभी हम लोग सुखचैन एंटर हो चुके हैं, थोड़ी दूर ही रह गया स्कूल। मोटरसाइकिल वाले अंकल आंटी को नजर कुछ नहीं आ रहा, वाइपर काम करना बंद हो गया। हम इज़न के स्कूल में एंटर हो रहे हैं और लेट्स सी हमें टीचर हमारी कितनी। मैं कॉरिडोर में बैठा हूँ और मेरे अंदर रिजल्ट लेने गए हैं, बहुत टेंशन हो रही है। देखो क्या, तो गाइस अभी हम रिजल्ट लेके वापस आए थे कि हमें झटका लगा, हमारी इधर गाड़ी के सामने किसी ने गाड़ी के सामने इधर गाड़ी खड़ी कर दी। अभी हम रिजल्ट लेके वापस आ गई और अभी हम सुखचैन में एंटर कर चुके हैं। क्या ठंडी हवा आ रही है, फुल सुखचैन के अंदर ऑन वही गंदी तरह गाड़ी चलाते हुए। नहीं स्लो तो स्लो, नहीं नहीं मेरा क्या बिल आ रहा है, आपने गाड़ी ठोक देनी ऐसे ही। तो गाइस कल हम लोग गए हुए थे रिजल्ट लेने, तो दिस इज द नेक्स्ट डे और अभी हम लोग जा रहे हैं बाल कटवाने। मेरा रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया था, इनकी जो काली जुबान थी वो कबूल नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट आ गया था, बचत हो गई थी। पर अभी फिलहाल हम लोग बाल आ रहे हैं, अभी हम सोसाइटी में ही हैं, आज हम गाड़ी पे जा रहे हैं, वैसे हम लोग बाइक पे जाते हैं। और मौसम बहुत प्यारा हो चुका है, अभी ओन भाई सीट बेल्ट लगा रहे हैं बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट, मैं भी लगा लेता हूँ। अबे कहाँ चली गई ये है, सीट बेल्ट ही नहीं लग रही आज मेरे से, क्यों ऐसा कैसे हो सकता है। गाइस अभी हम लोग नहर वाले रोड पर जा चुके हैं, शकाम चौक नहीं बना हुआ इसीलिए हमें बड़े गंदे रोड से जाना पड़ रहा है। आज हम ये बाल छपता ना बिल्कुल छोटा छोटा करा देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, बस जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ देखें आप, ये ले देखे वो विजल रेड कलर, क्या लग रही है मेरी फेवरेट रेड कलर। उनमें आप किस बारे में क्या कहना चाहेंगे शकाम चौक के? शकाम चौक पर ये कहना चाहूंगा कि ये जल्दी जल्द बना दे, अच्छी बात है क्योंकि हम बहुत ज्यादा कुंवारी हमारे लिए, क्योंकि इसमें धूल घटा बहुत होता है और पेट्रोल भी महंगा हो चुका है, और गाड़ी पे जाएं तो फिर बेहतर है, लेकिन अगर हम जब बाइक पे जाते हैं तो हमारा कलर ज्यादा ब्राइट हो जाता है क्योंकि हम कक्के हो जाते हैं धूल की वजह से। इनसे मुअत्तबाना गुजारिश है कि और मैं सुबह जब यूनिवर्सिटी जाते हैं उनमें नाश्ता नहीं करते, ये धूल खा के जाते हैं ना उन भाई। यहाँ पर इतना ट्रैफिक हो रहा है ना, उन्हें पहले भी इधर नहीं हुआ, मुझे लगता है यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ, बहुत रश है, ये बेचारा ट्राई कौन सोसाइटी के आगे से हम लोग बिल्कुल जा रहे हैं। पता मुझे लग रहा है किसी किस्म के ना ये कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या ये जो बड़े ड्राइवर बड़े गाड़ियों वाले ड्राइवर नहीं होते, आज लगता है ये सारी बसें पता है उनमें जा कर रही है। नहीं, बसें तो ये जा रही है ना उधर नाले वाला रोड है ना मैकडॉनल्ड के सामने, उधर जा रही है। इतनी ट्रैफिक हो रही है, ऐसे ट्रैफिक तो वाओ, इट्स द फर्स्ट टाइम, ये तो आते जा रहे हैं, ये तो रुक ही नहीं, वो देखे आप लोग। नहीं नहीं ये नहर पे वो को तक लंबी लाइन, इसीलिए हम भी आप लोग लेट हुए ना। नहीं, ये हम भी गाड़ी चला रहे हैं, ये सामने देखे आप लोग कैसा रश जाम,
ये ट्रक ये शकाम चौक की वजह से है? नहीं नहीं, ये शकाम चौक इसलिए जो पेट्रोल की प्राइस ज्यादा हो गई है ना, तो इन्होंने ये यहाँ पर आए थे कि यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं कि हमें ना एहतजाज नहीं, ट्रक दे के साइकिल लेने आए थे। नहीं, एहतजाज कर रहे हैं कि ना आप हमें पैसे मार भी पड़े बिकॉज, पर वो कह रहे हैं हमने बना देने की, अब मुझे लगता है शकाम चौक का काम ही रुक जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो। Look at that Maulvi, he is so fast. ये देखिए ना अपना 125 बेच के साइकिल ले लिया। Very fast Maulvi is going in front of me. अभी हम LDA में एंटर हो गए ना, LDA में एंटर हो गए, हम जा रहे हैं दुबई हेयर सलून। ये बंद हुआ था फिर? बंद हुआ था, हम तो स्ट्रॉयलर्स पे चलेंगे। स्ट्रॉयलर गाइस, अभी हम लोग बस पहुंच चुके हैं। अभी प्लाजा का नाम क्या है? ये ऊपर प्लाजा का मॉल लिखा हुआ नहीं है, वो टॉप पे द वन मॉल। अभी हम लोग द वन मॉल में हैं। ये अभी स्टाइलर्स आपको जूम करके दिखाऊंगे। दुबई हेयर सलून कौन क्या ये बंदा ही हमारा। अभी अंकल के साथ हमारा मसला चल रहा है, अंकल ने ऐसी गंदी पार्क की हुई है ना गाड़ी, हम लोग दिखा नहीं सकते, कहीं अंकल कॉपीराइट ना मार दे। ओ अंकल ये हमारी, मैं ऐसी पार्क। चलिए अब हम अंदर चलते हैं, सीट बेल्ट उतार दी, चले हमें मैं बोला। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं द दुबई सलून, या देख सकते हैं दुबई हेयर सलून। अंकल ही उठने वाले, वो गाड़ी मारने वाले। चले चले चलो चलो पहले। तो गाइज मैं तो अभी बाल शाल सेट शूट करवा के गाड़ी में आके बैठ गया, क्योंकि ना तो मजा नहीं आ रहा अभी इधर अच्छा खासा गाड़ी में बैठो, गाड़ी ठंडी ठंडी है। तो ओन भाई अभी भी उधर ही है, अब तो नजर नहीं आ रहे, वो सामने है, वो आगे आगे ही आ रहे हैं सामने। मेरे भी पैसे इन्होंने दिए, इनसे अच्छा तो मेरे बाल काट गए इन्होंने, बिल्कुल छोटे छोटे। देखिए आप कैसे कैसे मुंह बना के एक मिनट, गाड़ी की चाबी नहीं रहा, खोल लिया खोल लिया। अच्छा पैसे इन्होंने दिए मेरे, लेकिन उसने ज्यादा प्यारे मेरे किए है ना अन भाई, उन्होंने मेरे बालों पे स्प्रे भी मार के प्यारे से सेट करके दिए। ओन भाई के बेचारे, अबे क्या कर रहे हो, कैसे चला रहे हो? घर की तरफ जा रहे हैं, आप लोग को रहता हूँ। ये भी हम LDA से गुजरे शीशा गंदा, उनमें घर जाके गाड़ी दो मैं दूंगी कहाँ से। अभी हम लोग सोसाइटी के अंदर एंटर हो गए, उनकी खौफनाक ड्राइविंग के साथ। अच्छा इतनी प्यारी ड्राइविंग की है उनकी, प्रो ड्राइविंग के साथ, प्रो ड्राइवर के साथ हम सुरक्षित घर पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग सोसाइटी में आ चुके हैं। तो ये क्या ना इतना खतरनाक मुझे लगता है, इधर से मैं एक दफ़ा गुजर रहा था और इसमें मैं एक दफ़ा आया था ना उनकी इधर सपारा पढ़ने, तो इधर जो जान के डॉगीज, तो खतरनाक क्या हो गया? हो पालतू थे, दो जर्मन थे और एक बेल्जियम था, बेल्जियम शेफर्ड और एक दो जर्मन थे। अब हम घर पहुंच गए हैं। अगर आपको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शुक्रिया। और आप हमें आइडियाज और भी बता रहे, तब तक के लिए बाय।